मंडी जिला के सुंदरनगर के अंदर भी उन्होंने अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम तो खोलने की जो घोषणा की है वो मानवता की एक जीती जागती तस्वीर है। और मैं इस मुद्दे के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री को जय हिंद भी करता हूं और उन्हें सलाम भी करता हूं कि जो उन्होंने मानवता की मिसाल जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर आम जनता के बीच आम लोगों को जो दी है ये उनका सबसे सराहनीय काम है और इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। आप मुख्यमंत्री के करीबी भी हैं, कल जो वृद्ध आश्रम बता रहे हैं कि इसमें आपका कितना योगदान रहा है? मैं सीएम साहब से जरूर शिमला में मिला था कि जिला कांगड़ा के अंदर ये वृद्ध आश्रम खोला जाए और उसके उपरांत ही मैंने सजेस्ट भी किया था कि मेरी पंचायत के अंदर 165 कनाल भूमि जो है वो डीसी लैंड है तो वहां पर खुल सकता है। तो इसी तर्ज पर फिर उन्होंने डीसी साहब ने जो है वो जिला कांगड़ा के अंदर जो भूमि जो वो तलाशना शुरू की, लेकिन फाइनलाइज जो है जो अभी तक मेरे पास रिकॉर्ड है जो मुझे पता है कि लुथान की ही पंचायत को जो है उन्होंने फाइनलाइज किया है डीसी साहब ने और वहीं पे जो है ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के अंदर ही ये अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम जो है वो खोलना जा रहा है, जिसके लिए हम जिला कांगड़ा की ओर से आम जनता की ओर से हम मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं। और दूसरी ओर हमारे देहरा डिवीजन के अंदर मुख्यमंत्री जी ने बनखंडी में जो चिड़ियाघर जो खोलने जा रहे हैं उसके लिए भी हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। और उसी तरह उन्होंने प्रागपुर जो वर्ल्ड हेरिटेज विलेज है हमारा उसके अंदर भी उन्होंने गोल्फ कोर्स खोलने की जो घोषणा की है उसका भी हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने बिन मांगे ही जनता को, देहरा की जनता को और जसवंत परागपुर की जनता को जो देने की घोषणाएं की हैं, इसके लिए भी हम मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बुडमल ज्वेलर्स पालमपुर, भरोसा उम्र भर का।